स्टूडेंट के जॉब सब स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विताशु में। सो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। टॉप 50 इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे अबाउट टेक्सोनॉमी एंड स्पेसिफिकली इसमें अभी हमें वो इनवर्टिब्रेट मिलेगा एंड उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इनवर्टिब्रेट मोस्टली। सो फर्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लिविंग फॉसिल का एग्जाम्पल पूछा है। सो पिछली वाली वीडियो में भी हमने ये देख लिया था नाउटिलियस। नाउटिलिटा में है ओनली एक लिविंग स्पीसीज, ओनली यही बची है नाउटिलियस। सो ये लिविंग फॉसिल यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ इज ए कनेक्टिव लिंक पूछा है। कनेक्टिव लिंक कौन सा है? हमने है वो कोड देखा था पी ए ए पा, यानि जो पी ए ए पा एंड एन ए एम नाम, ये दो कोड देखा था। एन एन मीन्स नियोप्लिना, नियोप्लिना है एनिलिडा एंड मोलस्का में। ओके सो एन प्लेटिपस यहाँ पे है वो, यहाँ पे एनिलिड एंड ऑर्थोपोड के बीच में है वो हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे नियोप्लिना हमें पूछा है, सो एनिलिड एंड मोलस्क के बीच में ये सही हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेक्निकल नेम ऑफ रेजर सेल, ये भी पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था, सोलेन होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल हैज ए मैक्सिमम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। सो ये होगा पेलिसिपोडा, बिकॉज इसमें जो ऑयस्टर वगैरह है वो बाइवाल्व्य आ जाएगा। मोलस्क, मोलस्क में है ये। ठीक है, सो मोलस्क फाइलम में, मोलस्क जो होते हैं मोलस्क में बाइवाल्व्य जो होते हैं, बाइवाल्व्य जिसमें है वो ऑयस्टर वगैरह, पियर वैसे जो मोती वाले जो एनिमल्स है, सो बिकॉज उनको है वो, उनकी जो कीमत भी है वो भी है वो ज़्यादा होती है, उनको है वो एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे है वो सेल भी कर सकते हैं उनको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, पिनेक्टाडा पियर ऑयस्टर यहाँ पे ये आ भी गया, उसी में है पेलिसिपोडा में, बिलोंग टू द क्लास। सो कौन सी क्लास से है? सो पेलिसिपोडा है, लेकिन जो क्लास पूछी है इसमें क्लास कौन सी है उसमें। ठीक है, सो क्लास इसमें है वो बाइवाल्विया यहाँ पे हो जाएगी, अभी हमने देखा बाइवाल्विया क्लास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉर्म लाइक विदाउट सेल, ये भी पिछली वाली वीडियो में आया था। ए प्ले विदाउट सेल मीन्स ए प्लेकोफोरा, नाम से ही पता चलता है जिसमें सेल होगा वो प्लेकोफोरा, और ए प्लेकोफोरा जिसमें सेल नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकोमोशन विद जेट प्रोपल्सन, ये भी आया था। जेट प्रोपल्सन में यहाँ पे है वो सेफलोपोड्स में होता है ये। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द एनिमल इज ए टीनिडियम, टीनिडियम जो कि यहाँ पे है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, काइंड ऑफ कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होती है मोलस्क में। ठीक है, सो टीनिडियम अब्सेंट किस में है? एंड पेलियल ब्रेंकिया एक्ट एज रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। सो टीनिडियम अब्सेंट होगा और पेलियल ब्रेंकिया यहाँ पे उसमें है वो होगा। सो वो कौन सा एग्जांपल है? सो वो यहाँ पे होगा इसमें इक्वलिस। ठीक है, एंड मोस्टली मोलस्क में ये टिनिडियम होता है, लेकिन इसमें है वो टिनिडियम अब्सेंट होता है और पेलियल ब्रेंकिया है वो होता है एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनमें, इक्वलिस में। ओके सो ये यहाँ पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आएगा तो यहाँ पे इसको हमें याद रखना है। इकोइलिस में है वो, सॉरी इओलिस में है वो टिनिडियम एब्सेंट होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कैनकोलॉजी, कैनकोलॉजी किसे बोलते हैं? जो मोलस्क में जो सेल्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं कैनकोलॉजी। सो सेल ऑफ मोलस्क उनकी जो स्टडी करते हैं उनको वो कैनकोलॉजी बोलते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइजेस्टिव ग्लैंड इन मोलस्क, सो मोलस्क में डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन से होते हैं? सेलिवरी ग्लैंड थोड़ी होती है, नहीं होती, पेनक्रियाज भी नहीं होती है, एंड लीवर, लीवर की जगह, लीवर को वैसे भी हिपेटो हिपोट बोलते हैं, सो वहाँ पे लीवर की जगह प्रॉपर यहाँ पे होता है हिपेटो पेनक्रियाज होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हिपेटो पेनक्रियाज होता है वहाँ पे हिपेटिक, हमने स्ट्रक्चर भी देखी थी जब हमने बात की थी मोलस्क, जब क्लासिफिकेशन हम इस टेक्सोनॉमी की सीरीज में बात कर रहे थे। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल ऑफ मोलस्क सिक्रेटेड बाय, ओके सो किससे सिक्रेट होती है? मेंटल से। ठीक है,
देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्वा ऑफ मोलस्क, मोलस्क में इनमें से कौन सा लार्वा है वो होता है, ठीक है। सो यहाँ पे वेलीगर लार्वा एंड ग्लोचिडियम लार्वा, ग्लोचिडियम लार्वा किस में होता है, यूनियो में, वेलीगर लार्वा पाइला में। सो ये यूनियो और पाइला दोनों मोलस्क से है और दोनों लार्वा मोलस्क में पाए जाते हैं। सो ये यहाँ पे है वो बहुत, यहाँ पे ये सी है वो करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनली नोन एज टस्क सेल, सो टस्क सेल डेंटेलियम जो होता है वो इनमें से कौन सी है वो क्लास में आता है, यहाँ पे सेकोपोडा में है वो आता है, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन, टॉर्सन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, टॉर्सन जो कि मोलस्क में जो सेल्स में जो टॉर्सन होता है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ओके, जो इस प्रकार से सेल्स फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये जैसे कि ये है, सो ऐसे कुछ है वो फॉर्मेशन होती है, ठीक है। सो ये टॉर्सन प्रोसेस है वो इनमें से है वो किस में है वो देखी जाती है, सो गैस्ट्रोपोड्स में है वो, यहाँ पे है वो टॉर्सन देखा जाता है। ये देखो जब हम मोलस्क पढ़ रहे थे इस टैक्सोनॉमी की सीरीज में, सो उसके जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे थे मोलस्क का, तो जब हमने देखा था 6th क्लास होती है उसमें से जो गैस्ट्रोपोडा क्लास हमने जब देख रहे थे, सो गैस्ट्रोपोडा क्लास में हमने देखा उसमें वो टॉर्सन है वो होता है, जैसे कि गैस्ट्रोपोड की 3 सब क्लासेज हमने देखी थी, उसमें प्रोसोब्रेंकिया था उसमें भी वो हमें यहाँ पे देखो देखा था विसरल टॉर्सन देखा जाता है उनमें 180 डिग्री, ओके। एंड तो ये जो प्रोसोब्रेंकिया है वो गैस्ट्रोपोड में ही आते हैं, ठीक है। देन सेकंड उसमें ही गैस्ट्रोपोड्स में ही है वो सेकंड सब क्लास आई थी ऑफिस तो ब्रेंकिया, ओके। सो ऑफिस तो ब्रेंकिया देखा था, देन हमने थर्ड सब क्लास पल्मोनेटा देखा था, ओके। सो पल्मोनेटा, सो प्रोसोब्रेंकिया में है वो मोस्टली हमने वो देखा था गैस्ट्रोपोड्स में कि उनमें वो टॉर्सन है वो देखा जाता है, ठीक है। एंड प्रोसोब्रेंकिया में भी हमने वो जैसे कि पाइला एप्पल स्नेल है उसके बारे में डिटेल में भी डिस्कस किया था, ठीक है। जैसे अगर हम देखें, सो ये रहा पाइला, पाइला में ये आप देख रहे हो एप्पल स्नेल है, ये टॉर्सन आप देख रहे हो यहाँ पे इन सेल में वो टॉर्सन देखा जाता है, ठीक है। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, आइडेंटिफाई ए होलोथ्यूरिन विथ नो ट्यूब नो रेस्पिरेटरी ट्री एंड क्यूवेरियन ग्लैंड एंड नो रेडियल कैनाल, सो इनमें से वो कौन सा है, वो होलोथ्यूरिन है, ठीक है। सो यहाँ पे है वो, यहाँ पे ऑप्शन है थायोन एंड साइनेप्टा होलोथ्यूरिया एंड कुकुमेरिया, हमें पूछा है कि होलोथीरियन कौन सा है, तो यहाँ पे है वो साइनेप्टा है वो, यहाँ पे है वो करेक्ट है वो आंसर हो जाएगा। साइनेप्टा इज अ जीनस ऑफ होलोथीरियन ऑल्सो नोन एज सी कुकुम्बर, ओके। सो दैट लैक अ ट्यूब फिट रेस्पिरेटरी ट्री एंड रेडियल केनाल, इंस्टेड अ साइनेप्टा हैज अ क्यूवेरियन ग्लैंड विच इज डिफेंसिव ऑर्गन दैट हेल्प्स एक्सपेल स्टिकी थ्रेड्स टू इंटेंगल प्रीडेटर, एंड द अदर ऑप्शन जैसे कि थायोन होलोथीरियन एंड कुकुमेरिया ऑल हैव ट्यूब फिट, इनमें सब में है वो ट्यूब फिट होती है, रेस्पिरेटरी ट्री एंड रेडियल कैनाल भी होती है, ठीक है। सो साइनेप्टा ये अलग ही है, यहाँ पे सी कुकुम्बर है। सो यहाँ पे वो गूगल पे हम ये साइनेप्टा सी कुकुम्बर हम देख पा रहे हैं, सो ये यहाँ पे वो काइंड ऑफ वर्म लाइक और यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे वर्म लाइक ऑर्गेनिज्म, सो इसमें है वो कैसे रेडियल केनाल हो सकती है, कैसे ट्यूब फिट हो सकती है, हमने वो इसी यहाँ पे स्टार फिश जो काइंड ऑफ थी कुछ इस प्रकार से इकाइनोडर्म में उनमें हमने वो देखा था, ओके। सो उनमें हमने वो देखा था कि यहाँ पे वो सर्कुलेशन के लिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से वो उनमें ट्यूब फिट है वो होती थी, ठीक है। ऐसे सो रेडियल केनाल यहाँ पे ट्यूब फिट होती थी, एंड ये यहाँ पे रेडियल केनाल यहाँ पे है वो ये ट्यूब फिट है, ये जो
एंड ये रेडियल कैनाल है वो, ये इसमें वर्म लाइक ऑर्गेनिज्म में किस प्रकार हो ही नहीं सकती है, ठीक है। और बाकी अगर होलो थ्यूरिया का एग्जांपल देखें जो कि ऑप्शन में था, सो होलो थ्यूरिया है वो, इसमें है वो हम रेस्पिरेटरी ट्री भी देख रहे हैं, ये रेस्पिरेटरी ट्री है। एंड हम रेडियल काइंड ऑफ कैनाल, रिंग कैनाल भी हम काइंड ऑफ देख पा रहे हैं, सो मोस्टली वो रेस्पिरेटरी ट्री इसमें आ जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्वा आर दैट अकर इन द डेवलपमेंट ऑफ होलोथूरियंस, तो होलोथूरियंस के डेवलपमेंट फेज में कौन सा लार्वा इनमें से वो आता है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन वो इकाइनोडर्म से है, इकाइनोडर्म से ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो इकाइनोडर्म से लार्वा की अगर हम बात करें, सो यहाँ पे है वो होलो, यहाँ पे ओरिकुलेरिया लार्वा है, होलोथूरिया में पूछा, तो होलोथूरिया में ओरिकुलेरिया लार्वा है वो आता है। होलोथूरिया, होलोथूरिया मीन्स सी कुकुम्बर जो कि साइनेप्टा में है वो देखता देखा था पीछे, थोड़ा पीछे हमने देखा था जिसमें वो रेडियल कैनाल एंड वो सब वो नहीं पाया जाता है रेस्पिरेटरी, ठीक है। सो होलोथूरिया में है वो ओरिकुलेरिया लार्वा है वो आता है। बाकी अगर बात करें बाइपिनेरिया ब्रेंकुलेरिया लार्वा की जो कि एस सी स्टारफिश है, वो एस्टेरियसिस में है वो आता है। एंड ओफियोप्लूटस है वो लार्वा ब्रिस्टल स्टार में आता है। एंड इकाइनो प्लूटस लार्वा है वो, इकाइनो प्लूटस लार्वा इकानस में आता है। एंड डोलियोलेरिया लार्वा है वो एंटीडोन में आता है। सो हमें वो होलोथूरिया का पूछा है तो ओरिकुलेरिया लार्वा है वो आएगा। सो यहाँ पे ओरिकुलेरिया लार्वा करेक्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन एरिस्टोटल लेंटेन, यहाँ पे वो होता है जो कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी में भी इसका एग्जांपल आता है। एरिस्टोटल लेंटेन जो सी आर्चिन जो होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। सो सी आर्चिन इकाइनोडर्म्स में ही है। एंड उसको भी अगर हम बात करें इकाइनस उसका साइंटिफिक नेम होता है सी आर्चिन का, ओके। सो उसको है वो सी आर्चिन डेवलपमेंट तो बहुत ही पॉपुलर है ही डेव बायो में, सी आर्चिन डेवलपमेंट। सी एलिगेन जो कि एस के लिमिटेज में सी एलिगेन आता है उसका डेवलपमेंट भी देखते हैं। देन सी आर्चिन जो कि इकाइनोडर्म में जो कि इकाइनस हम बोल सकते हैं। सो एंड सो एरिस्टोटल एंटर कॉम्प्लेक्स चीविंग चीविंग अपरेटस फाउंड इन सी आर्चिन, ये यहाँ पे भी आ गया है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिडमान बॉडीज प्रोड्यूस फ्री, क्या टिडमान बॉडीज है वो क्या प्रोड्यूस है वो करती है। सो फ्री हिमोसाइट्स है वो प्रोड्यूस करती है टिडमान बॉडीज, ओके। सो टिडमान बॉडी आर स्पेशलाइज्ड सेल फाउंड इन द सिलोमिक फ्लूड ऑफ सम इकाइनोडर्म्स, ओके। सो इकाइनोडर्म की सिलोमिक फ्लूड्स में है वो स्पेशलाइज्ड सेल है वो पाई जाती है टिडमान बॉडीज, ओके, सिलोमिक फ्लूड्स में। एंड विच प्रोड्यूस रिलीज फ्री फ्लोटिंग सेल्स कॉल्ड हीमोसाइट्स, ओके। सो फ्लोटिंग सेल्स प्रोड्यूस करती है ये जिनको हीमोसाइट्स बोलते हैं, ओके। सो दीज हीमोसाइट्स प्ले रोल इन द इम्यून रिस्पॉन्स एंड द अदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द एनिमल, देयर फॉर द कॉन्टेक्ट करेक्ट आंसर, ओके। सो सी देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर एब्सेंट इन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनमें से वो किस में है वो होता ही नहीं है, ठीक है। सो इकाइनोडर्म में जब हमने वो देखा था, इकाइनोडर्म्स जब मोस्टली है वो हमने देखा, सो वो रेडियल केनाल एंड उनसे ही है वो सब सर्कुलेशन है वो हो रहा था, उनमें हमने वो यहाँ पे वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन उनमें वो नहीं देखा था हमने इकाइनोडर्म में, ओके। जिनमें वो सी स्टार, सी आर्चिन, सी कुकुम्बर वो सारे है वो इसी में आ जाते हैं, ओके। इनफैक्ट जब हम इकाइनोडर्म्स जो हम पढ़ रहे थे इकाइनोडर्म्स इस टेक्सोनोमी की सीरीज में, तब हमने वो देखा भी था, एक तो एम्बुलेक्रल ये सिस्टम है उनमें हमने देखा था, ठीक है, सर्कुलेटरी स्पेशलाइज सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड उसी के साथ हमने यहाँ पे वो एक लाइन देखी थी स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर एब्सेंट, ओके। एंड नाइट्रोजन वेस्ट आर डिफ्यूज आउट वाया गिल्स एंड और डर्मल ब्रेंकिया, ओके। अमोनिया इज चीफ सेक्रेटरी मैटर, लेकिन जो स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं पाया जाएगा, ठीक है। एच एच कोई स्पेशलाइज्ड स्केटरी यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो नहीं पाया जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो द वर्ड इकाइनोडर्मेटा वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, सो वर्ड इकाइनोडर्मेटा वो किसके द्वारा वो यूज किया गया, यहाँ पे वो जैकोब क्लेन
इस इनके द्वारा है वो ये यूज किया गया। सो जेकब क्लेम द जर्मन न्यूचुरलिस्ट यहाँ पे है वो, उन्होंने है वो 1730 में है वो नाम ये डिराइव किया। ग्रीक वर्ड है इकाइनोस, मतलब होता है स्पाइनी, एंड डर्मा मतलब होता है स्किन, ये ग्रीक वर्ड है। इकाइनो मतलब यहाँ पे है वो, इकाइनो मतलब स्पाइनी एंड डर्मा मतलब स्किन, सो इकाइनोडर्मिस मतलब स्पाइनी स्किन्स। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रिंक्यूलेरिया लार्वा इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लास। ब्रिंक्यूलेरिया लार्वा अभी हमने वो देखा भी था, इकाइनोडर्म में है वो ब्रिंक्यूलेरिया लार्वा है वो देखा था, और इकाइनोडर्म में हम भी हम जब देख रहे थे सो एस्टेरियोडिया जो था उसमें हमने देखा था, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिस्टुलेरिया इज कॉमनली नोन एज। फिस्टुलेरिया किसको हम बोलते हैं, ठीक है, कॉमनली हम कौन नाम से जाना जाता है फिस्टुलेरिया, सो नाम से ही एफ एफ से याद रखना है हमें, फिस्टुलेरिया एफ एफ फॉर फ्लूट फिश। ओके सो फ्लूट फिश को फिस्टुलेरिया यहाँ पे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन थायोन इज कॉमनली नोन एज। ओके तो स्टैन ये अभी पीछे भी आया था, इसमें वो होलोथोरियंस का पूछा गया था, तो वो नहीं था उनमें होलोथोरियन जिसमें है वो रेडियल केनान वगैरह उस वाले क्वेश्चन में ये थायोन भी आया था। सो इसमें पूछा है कि इनको कौन सा कॉमन नेम से जाना जाता है, ठीक है। सो ये यहाँ पे वो, सो यहाँ पे ये गूगल पे आप विकिपीडिया का ये रेफरेंस आप यहाँ पे देख रहे हो, तो थायोन यहाँ पे वो इकानोटर्म्स होते हैं, लेकिन उसमें भी अगर इनका क्लासिफिकेशन अगर यहाँ पे वो देखें सो यहाँ पे वो यहाँ पे इकानोटर्म्स में ये आ जाते हैं, और क्लास होलोथुरीडिया जो कि हम देखें सी कुकुम्बर का ही है वो क्लास है, सो उसमें अगर ये आ रहा है डेंड्रो को ये फाइलो फ्रोइडा फैमिली एंड देन थायोन यहाँ पे वो जीनस आ जाता है। सो ये अगर होलोथुरीडिया का ही क्लास है तो उसको हम है वो बोलेंगे सी कुकुम्बर का ही है मतलब ये मेंबर, ठीक है, तो सी कुकुम्बर इसका है वो राइट आंसर होगा। ओके सो यहाँ पे है वो हमारा है वो सी कुकुम्बर है वो राइट आंसर हो जाता है। ब्रिस्टल स्टार का अगर हम बात करें, ब्रिस्टल स्टार का जो नाम अगर बात करें सो साइंटिफिक नेम ओफ्यूरा है वो, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ओफ्यूरा का कॉमन नेम पूछा जाए, ओफ्यूरिया इज कॉमनली नोन एज, सो वो होगा ब्रिस्टल स्टार। और ये अगर पूछा जाए कि एंटीडोन इज कॉमनली नोन एज, सो वो होगा सी लिली, ठीक है, सी लिली का जो साइंटिफिक नेम है एंटीडोन को कॉमनली है वो बोलते हैं सी लिली, ठीक है। सो बच्चा यहाँ पे है वो सी कुकुम्बर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हर्ट आर्चिन, द हर्ट्स आर्चिन आर इंक्लूड इन ऑर्डर। ओके सो हर्ट आर्चिन है वो कौन से ऑर्डर में यहाँ पे वो आता है, तो यहाँ पे होलोस्टेरॉइडिया होगा नहीं, न्यूक्लियोलिडा भी नहीं होगा, न्यूक्लियोटोइडा भी नहीं होगा, यहाँ पे वो स्पेटेंगोइडिया है वो यहाँ पे वो करेक्ट होगा हर्ट आर्चिन। ओके हर्ट आर्चिन आर इंक्लूड इन ऑर्डर स्पेटेंगोइडिया। दिस इकानोडर्म हैव ए हर्ट शेप टेस्ट सेल एंड ए ट्यूब फिट दैट आर मॉडिफाइड फॉर बुरोविंग इन सैंड एंड मड। ओके सो ये यहाँ पे वो गूगल पे हम देख भी सकते हैं, हर्ट आर्चिन है वो यहाँ पे सी आर्चिन का ही टाइप है, एंड उसका क्लासिफिकेशन अगर हम देखें इकानोडर्म्स में ये आता है, एंड क्लास है वो इकाइनोइडा में है वो ये आता है, इकाइनोइडा में आता है, और ऑर्डर स्पेटेंगोइडा में यहाँ पे ये आ जाता है हर्ट शेप। यहाँ पे ये इमेज आप देख सकते हो, क्या सो ये यहाँ पे वो नया ऑर्डर निकल के आ जाता है, तो ये आप नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा स्पेटेंगोइडिया ऑर्डर इकाइनोइडिया में क्लास में सी आर्चिन की, ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26, विच ऑफ दिस इज नॉट ए कॉर्डेट करेक्टर्स। कॉर्डेट करेक्टर्स इनमें से वो कौन सा नहीं है, सो डिप्लोब्लास्टिक थोड़ी है ये यहाँ पे, तो ये तो मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट में भी ट्रिप्लोब्लास्टिक देखे जा सकते हैं, यहाँ पे प्लेटियल मेंथिस से ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट हो जाता है, सो ये तो कॉर्डेट्स में तो हो ही नहीं सकता डिप्लोब्लास्टिक, तो ये तो बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन बोल सकते हैं। सो नोटोकॉर्ड इज कन्फाइंड टू प्रोबोसिस इन, सो नोटोकॉर्ड्स जो कि प्रोबोसिस वाले रीजन में होता है, सो वो इनमें से वो कौन से
यहाँ पे है वो फाइलम में है वो होगा, ये यहाँ पे है वो कॉर्डेट्स के, ये हेमी कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स बोल सकते हैं उनको, ठीक है। सो यहाँ पे वो हेमी कॉर्डेट्स ही वो करेक्ट है वो हो जाएंगे, ठीक है। यूरोकोड्स में है वो टेल साइड में है वो होगा, एंड सेफेलो कॉर्डेट्स में ये थ्रू आउट द पूरा थ्रू आउट द बॉडी, यहाँ पे नोस्ट्रम से लेके वो पूरा हेड हेड के आखिरी एंड से लेके वो पूरा है वो यहाँ पे है वो नोटोकॉर्ड है वो होता है। लेकिन ओनली प्रोबोसिस की तरफ अगर हम बात करें सो वो है वो हेमी कॉर्डेट्स में है वो होता है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेकोइड स्केल आर प्रेजेंट इन, प्लेकोइड स्केल से वो कार्टिलेजिनस फिशिज में वो देखा जाता है, ठीक है। कार्टिलेजिनस फिशिज उनमें से वो, इनमें से एग्जांपल कार्टिलेजिनस फिशिज का है स्कोलियोडोन, तो इनमें है वो प्लेकोइड स्केल्स है वो देखे जाते हैं, ओके। सो ये कार्टिलेजिनस फिशिज होते हैं, शार्क एंड्रे स्कोलियोडोन, ओके, डॉग फिश भी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट जोल्ड वर्टिब्रेट बिलोंगिंग टू द क्लास जोल्ड, साइक्लोस्टोम तो देखो जो लेस होता है, ठीक है। एंड अगर इनमें अगर हम बात करें ऑस्ट्रेकोडर्मी तो ये बोनी फिश ये बाद में आते हैं, ओके। सो ये यहाँ पे होगा नहीं, ऑस्ट्रेकोडर्म से है वो पहले, प्लेकोडर्मी से ये काइंड ऑफ है वो पहले आ जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे फर्स्ट है वो जो वर्टिब्रेट्स प्लेकोडर्मी है वो यहाँ पे है वो हो जाते हैं, ठीक है। प्लेकोडर्मी एट द क्लास ऑफ एक्सटिंक्ट फिश, ओके, एक्सटिंक्ट फिश है ये, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं एंड दे लिव ड्यूरिंग द सिलूरियन एंड डेवोनियन पीरियड। सो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये भी हो जाता है, ये इनका पूछ जा सकता है प्लेकोडर्मी है वो कौन से यहाँ पे इकोलॉजिकल टाइम स्केल में थे, सो सिल्यूरियल सिल्यूरियन एंड डेवोनियन पीरियड के थे, ठीक है। बोनी प्लेट भी इनमें थी, ठीक है, एंड कवरिंग हेड एंड टेक्सोन, ओके। सो देन देन नेक्स्ट क्वेश्चन 30, द एंडोस्केलेटन ऑफ कॉर्डेट एनिमल इज द लिविंग लिविंग स्ट्रक्चर, हाँ लिविंग स्ट्रक्चर तो होती है, देन लिविंग स्ट्रक्चर विदाउट ग्रोथ, नहीं ग्रोथ तो होती है, देखो ये तो नहीं होगा, ग्रोथ तो होती है, लिविंग स्ट्रक्चर विद ग्रोथ, हाँ ग्रोथ होती है, ये भी सही है। सो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, नॉन लिविंग नहीं होती, लिविंग, सो मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर देखें तो ये यहाँ पे लिविंग स्ट्रक्चर विद ग्रोथ है वो हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन ऑल कॉर्डेट्स, सो इनमें से वो कौन सा है वो सारे कॉर्डेट्स में है वो देखा जाता है, सो स्यूडोसिलोम है वो नहीं देखा जाता है, ठीक है। स्यूडोसिलोम तो एस के एलिमिथीज में आता है जो कि नॉन कॉर्डेट्स है, एंड डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है वो, नर्व कॉर्ड है वो हाँ देखी जाती है, लेकिन और अगर ऑप्शन की देखें सो बी वेंट्रल ट्यूबुलर, वेंट्रल नहीं देखा जाता है, ठीक है, वेंट्रल तो नॉट नॉन कॉर्डेट्स में होता है, ठीक है। एंड अम्बिकल कॉर्ड भी यहाँ पे मोस्ट ऑफ द सारे में पूछा तो डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड जो कि यहाँ पे है वो होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिमिटिव क्लास ऑफ कॉर्डेट्स कॉन्टेनिंग एम्फियोक्सेस एंड ए फ्यू रिलेटेड फॉर्म्स एंड विच आर ऑल मेरांग्स, सो एम्फियोक्सेस का पूछा है तो डायरेक्ट ही यहाँ पे है वो, डायरेक्ट यहाँ पे आंसर है वो हो जाएगा सेफिलोकॉर्डेट्स, ओके, सेफिलोकॉर्डेट्स में है वो यहाँ पे एम्फियोक्सेस है वो आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉर्डेट बट नॉट ए वर्टिब्रेट, कॉर्डेट है लेकिन वर्टिब्रेट नहीं है, ठीक है। सो ये इनमें से वो कौन सा होगा, यहाँ पे वो हेमिडेक्टाइलस, हिप्पोकैम्पस, ये कैटला, ये सब है वो थोड़ा सा हाइयर वर्टिब्रेट हो जाते हैं यहाँ पे इनमें है वो, लेकिन जो एम्फियोक्सेस है जो कि सेफेलोकॉर्डेट्स का है वो अभी हमने देखा, सेफेलोकॉर्डेट्स यूरोकॉर्डेट्स, सेफेलोकॉर्डेट्स एंड यूरोकॉर्डेट्स में जो भी एनिमल्स आते हैं, सेफेलोकॉर्डेट्स में एम्फियोक्सेस हमने देखा, यूरोकॉर्डेट्स में हमने देखा जैसे कि हर्डमानिया हो गया, सो ये सब जितने भी है वो यहाँ पे है वो कॉर्डेट तो है लेकिन वर्टिब्रेट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनमें है वो जो क्रेनियम जो होता है जो स्कल वाला जो वो है वो बोन है वो इनमें एब्सेंट होती है, ठीक है। एंड बाकी सब है ये वर्टिब्रेट भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द प्रिमिटिव वॉर्म लाइक एनिमल, वॉर्म लाइक एनिमल का हमें है वो
जो कि पुराना हो, प्रिमिटिव हो, उसका नाम बताना है, हैविंग सर्टन कोडेड फीचर सच एज गिल क्लिफ्ट एंड स्मॉल नोटोकॉर्ड्स इन द इंटीरियर रीजन ऑफ द हेड ओनली। सो हेड ओनली हमें वो देखा था, सो ये हमने वो अभी पहले भी देखा, हेड ओनली टाइप उधर है वो प्रोबोसिस वाला रीजन होता है। सो ओनली उधर ही अगर होती है सो वो हेमिकॉर्डेट्स में होती है, और अगर ओनली टेल वाली पार्ट की तरफ होता है तो वो यूरोकॉर्ड्स में होती है, और थ्रू आउट द बॉडी नोस्ट्रम से लेके ठीक है सो वो यहाँ पे वो सेफेलोपोड्स में होती है। सो यहाँ पे हेमिकॉर्डेट्स द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंबर ऑफ यूरोकॉर्डेट्स और ट्यूनिकेट्स में, नोट हमें क्या नहीं है ये बताना है यूरोकॉर्डेट्स एंड ट्यूनोकॉर्ड्स ट्यूनिकेट्स में। सो फर्स्ट ऑप्शन इज नोटोकॉर्ड एंड होलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल स्टेज। तो यहाँ पे है वो होता है ये, तो नोटोकॉर्ड तो देखो होता है एंड होलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी होता है एंड लार्वा स्टेज में ही होता है, एंड द बॉडी इज एक्सटर्नली कवर्ड बाई ए थिक सेलुलोज क्यूटिकल ट्यूनिक बिकॉज इसीलिए उनको ट्यूनिकेटा बोलते हैं, ठीक है इसीलिए तो उनको ट्यूनिकेटा बोलते हैं यूरोकॉर्डेट्स में जहाँ पे हडमान आता है, ठीक है। द नेक्स्ट ऑप्शन इज सिलोम इज अब्सेंट। सो सिलोम क्या इनमें अब्सेंट होती है? सो अगर सिलोम का अगर हम देखें, सो गूगल पे भी अगर हम देखें, सो यहाँ पे है वो इन ये काइंड ऑफ वो एक्सेप्शन काइंड ऑफ है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे है वो सिलोम नहीं होती है, जबकि कॉर्डेट्स में ट्रू सिलोम होती है और इसको ट्रू सिलोमेटा बोलते भी है, लेकिन यहाँ पे है वो सिलोम है वो यहाँ पे नहीं होती। ऑल्सो नोन एज ट्यूनिकेट्स डू नॉट हैव ए सिलोम, ओके, ऑल्दो दे आर मेंबर ऑफ फाइलम कॉर्डेटा एंड ट्रू सिलोमेटा, यहाँ पे क्लियर सिलोम बॉडी है वो कैविटी है वो नहीं देखी जाती है कभी कभी यहाँ पे है वो, लेकिन यहाँ पे वो लिखा हुआ है हाउएवर सम से दैट कैविटी अराउंड द हर्ट, हर्ट के अराउंड द कैविटी है वो कैविटी एंड एपिकार्डियम के अराउंड यहाँ पे कैविटी है वो देखी गई है, ओके, एंड एक्सटेंशन ऑफ द गट मे रिप्रेजेंट दैट द ट्रेस अमाउंट ऑफ सिलोम आर प्रेजेंट, ओके, लेकिन ट्रेस अमाउंट ऑफ सिलोम ही देखी गई है, ट्रू जो सिलोमिक कैविटी होती है वो यहाँ पे वो एबसेंट होती है, ठीक है। सो ये यहाँ पे वो फ़ायदा होता है एमसीक्यू करने का, यहाँ पे नई चीज़ें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। सो ये यहाँ पे वो काइंड ऑफ नई चीज़ ही है, ठीक है, इंफॉर्मेशन है न्यूरोकॉर्डेट्स में वो सिलोम में वो एबसेंट होती है काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं। सो यहाँ पे नन ऑफ द अबाव यहाँ पे ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है, क्योंकि हमें पूछा क्या नहीं है, सो ये सारे ऑप्शन करेक्ट थे, नन ऑफ द अबाव यहाँ पे वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ये सारे ऑप्शन इनमें पाए जाते हैं, पूछा है नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, सो यहाँ पे नन ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेट्रोडॉन इज कॉमनली नोन एज, टेट्रोडॉन का यहाँ पे वो डेविल फिश जो ऑक्टोपस होता है, ठीक है, टेट्रोडॉन यहाँ पे पफर, यहाँ पे पफर हो जाता है, ठीक है, पफर इज द राइट आंसर। सो टेट्रोडॉन इज कॉमनली नोन एज पफर फिश ड्यू टू देयर एबिलिटी टू इननेट इट्स बॉडी इन्फ्लेट इट्स बॉडी विन रिटेंट, ओके, देन ये काइंड ऑफ टॉक्सिन भी होती है पफर फिश, पफर टॉक्सिन इनमें पाया जाता है, सो ध्यान से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 37, इन वर्टिब्रेट द फेरेंजियल गिल स्लिट आर नॉट मोर देन, तो वर्टिब्रेट में वो फेरेंजियल गिल स्लिट मैक्सिमम कितनी हो सकती है वो पूछा, सो 7 पेयर ऑफ मैक्सिमम यहाँ पे वो हो सकती है फेरेंजियल गिल स्लिट्स, उससे ज़्यादा वो नहीं होती है, ठीक है, वर्टिब्रेट्स में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हर्ट इन वर्टिब्रेट्स इज, सो हर्ट वो किस साइड में होता है, हर्ट वो वेंट्रल साइड में होता है और नोटोकॉर्ड वो डोर्सल साइड में होती है, ओके, सो वेंट्रल साइड में होता है और मस्कुलर होता है, ठीक है, स्केलेटल नहीं होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन रिस्पायरेटरी पिगमेंट इन वर्टिब्रेट्स इज, सो ये तो रेस्पायरेटरी पिगमेंट्स ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया है, हीमोग्लोबिन हम वर्टिब्रेट्स ही हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स टेक प्लेस बाई, सो एक्सक्रीशन है वो यहाँ पे वो वर्टिब्रेट्स में वो किससे वो होता है यहाँ पे वो बिकॉज मोस्टली यहाँ पे टेरिस्ट्रियल हम वर्टिब्रेट्स हैं, सो हम हमारे अंदर है वो यूरियो टेलिक यहाँ पे
यूरिया है वो सिक्रेशन है, वो होता है जो एक्सक्रीटरी मटेरियल, सो उसके लिए जो नेफ्रिडिया यहाँ पे है वो किडनी है वो बनती है जैसे कि, सो वो मीजोनेफ्रिक होती है एंड मेटानेफ्रिक भी, ठीक है। सो ये यहाँ पे वो करेक्ट है, यहाँ पे आ जाता है मीजोनेफ्रिक एंड मेटानेफ्रिक किडनी, किडनी यहाँ पे देखी जाती है यहाँ पे, ओके। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41, ब्रेन इनवर्टिब्रेट्स इज द इनलार्जमेंट ऑफ, इनलार्जमेंट ऑफ यहाँ पे ए, यहाँ पे इनलार्जमेंट ऑफ एंटीरियर पार्ट और डोर्सल नर्व, नर्व से बनता है ब्रेन, ये हमें पता ही है एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है, ओके। सो एंटीरियर एंड ऑफ डोर्सल नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड, ओके, सो इससे वो बनता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइनल नर्व इन वर्टिब्रेट आर फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ, स्पाइनल नर्व का पूछा है वो किससे बनकर है, वो बनती है मिलकर है वो बनती है, ठीक है। सो स्पाइनल नर्व भी है वो यहाँ पे स्पाइन की साइड में वो होती है, तो यहाँ पे वो डोर्सल एंड वेंट्रल नर्व रूट से वो मिलकर बनती है, ए डोर्सल एंड ए वेंट्रल नर्व रूट, सो इनसे वो ये मिलकर वो ये बनती है। सो स्पाइनल नर्व इन वर्टिब्रेट आर फॉर्म बाई यूनियन ऑफ डोर्सल एंड वेंट्रल नर्व रूट, ओके। सो यहाँ पे वो 43, टेल इन बोनी फिश इज यूजली, सो बोनी फिश में अगर वो टेल का है वो कौन सा प्रकार होता है, होमो सर्कल होता है या हेट्रो सर्कल होता है, सो वो यहाँ पे पूछा जाता है। सो जो क्वार्टिलेजिनस स्पीसीज है उनमें वो हेट्रो सर्कल है वो देखा जाता है जो, लेकिन हमें पूछा बोनी फिश, सो बोनी फिशिज में हमें वो इस प्रकार से वो होमो सर्कल है यहाँ पे वो देखा जाता है, सो यहाँ पे ये आंसर है वो करेक्ट हो जाता है होमो सर्कल, ठीक है। बोनी में होमो सर्कल यहाँ पे है वो ये हमें याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है काइंड ऑफ, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोइका इन बोनी फिश इज, सो क्लोइका इन बोनी फिश इज क्या होती है, सिंगल होती है या नहीं होती है या फिर वन पेयर होती है या फिर टू पेयर होती है, सो बोनी फिश में क्लोइका नहीं होती है, ठीक है। सो हैज नो क्लोइका विच इज अ चैम्बर दैट ओपन टू द आउटसाइड एंड इज यूज्ड फॉर बोथ एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन, उनमें वो क्लोइका नहीं होता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओर्टिक आर्च इन, ओर्टिक आर्च इन यहाँ पे है वो पूरा क्वेश्चन है नहीं, ओके, सो शायद बोनी फिश में पूछा हुआ है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में इधर का बोनी फिश है फोर पेयर ऑफ ओर्टिक आर्च, ओके, सो बोनी फिश का पूछा गया है मान लो, ठीक है। सो बोनी फिश में है वो फोर पेयर है वो ओर्टिक आर्च है वो होती है, ठीक है, विच इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड हेल्प टू पंप द ब्लड, वैसे ब्लड टू द हार्ट एंड गिल, वैसे टोटल तो वैसे सिक्स जो होती है ओर्टिक आर्च उनमें से वो फोर यहाँ पे है वो इनमें वो प्रेजेंट होती है बोनी फिश में, एंड मे बी कौन सी एब्सेंट होती है, फर्स्ट एब्सेंट होती है एक तो शायद, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सक्रीशन इन क्लास पीसीज, सो पीसीज जिनमें है वो मछली आ जाती है उनमें वो एक्सक्रीशन है वो किनसे होता है, यहाँ पे अगर जैसे कि पीसीज में कॉन्ड्रियोक्थीस आती है, कार्टिलेजिनस पीसीज कॉन्ड्रियोक्थीस, उनमें भी अगर हम देखें तो यहाँ पे वो एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें, ये रहा यहाँ पे पॉइंट 8 नंबर पॉइंट पे, यहाँ पे किडनी आर मीजोनेफ्रिक इनमें किडनी होती है एंड यूरिया इनमें चीफ एक्सक्रीटरी नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है, यूरिया मीन्स यूरिकोटेलिक हो जाएगा, ठीक है। जबकि पीसीज में ही है वो ये बोनी फिशिज आ जाती है ऑस्टियोक्थीस, सो उसमें वो मीजोनेफ्रिक किडनी होती है, जबकि अमोनिया उसमें होता है अमोनियोटेलिक होती है, सो ये डिपेंड करता है ये बोनी फिशिज है वो अमोनियोटेलिक है, बाकी सारी जो उसको छोड़कर है वो जितनी पीसीज के मेंबर है वो मोस्टली है वो यूरियोटेलिक होते हैं, यूरिया का सिक्रेशन करते हैं, सो उस बेस पे अगर हम बात करें सो यहाँ पे यूरियोटेलिक हम कर सकते हैं, सो बोनी फिश कैन एक्सट्रीक्ट वेस्ट इन डिफरेंट वे, यहाँ पे लिख भी रखा है बोनी फिश में अलग हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनल ईयर ऑफ बॉडी बोनी फिश पोजेस, सो इंटरनल ईयर में वो सेमी सर्कुलर कैनाल के बारे में वो काइंड ऑफ पूछा गया है, ठीक है। सो यहाँ पे उनमें वो बोनी फिश का वो पूछा गया इंटरनल एयर का, वहाँ पे वो थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल है वो देखी जाती है, ठीक है, फॉर बैलेंसिंग एंड ओरिएंटेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सब क्लास सार्कोप्टेरगी, सार्कोप्टेरगी में वो कौन से इनमें से वो एनिमल है वो आते हैं, ओके। सो यहाँ पे वो
लोब फिन फिशेज है वो सार्कोप्टेरिगी में है, वो आते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, लंग फिश आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर। लंग फिश है वो डिप्नोई आते हैं, डिप्नोई यहाँ पे हम करेक्ट है वो, ठीक है। देन लास्ट क्वेश्चन, मेंबर ऑफ सुपर क्लास कॉन्ड्रोस्टी पोजेस। सो यहाँ पे है वो कॉन्ड्रोस्टी यानी कार्टिलेजिनस स्पीसीज में प्लेकोइड स्केल्स है वो होते हैं, ठीक है। देन बोनिस जो फिशेज होते हैं उनमें होते हैं, इनमें से कोई जैसे कि टीनोइड वगैरह स्केल्स, गेनोइड वगैरह, ठीक है। सो प्लेकोइड स्केल्स है वो कॉन्ड्रोस्टीज जो होते हैं कार्टिलेजिनस स्पीसीज उनमें होता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर